पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में पीएनबी के सीनियर अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच सीबीआई ने पीएनबी के जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी राजेश जिंदल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ हुई बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पार्टी के दूसरे विधायक अमानतुल्ला खान की तलाश जारी है। अभिनेता कमाल हसन ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के घर से अपनी पहली राजनीतिक रैली की शुरुआत की। आज वे कई सभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभाओं को संबोधित करने के बाद आज शाम वे अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में जोहान्सबर्ग में खेला गया एक मैच भारतीय टीम पहले ही जीत चुकी है। इंडियन टीम के पास सीरीज पर कब्जा करने का यह एक अच्छा मौका है।